यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी अभ्यर्थियों का तहदिल से स्वागत करते हैं। जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। जिन छात्रों ने की परीक्षा डिफ़िकल्ट हुई थी, 10 और 11 सितंबर को परीक्षा जो डिफ़िकल्ट हुई थी, उसे नॉर्मलाइज करने की बात जो है वो रखी जा रही थी कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग जो है उनके पेपरों को नॉर्मलाइज करे। और देखिए, आज ऑफिशियल विज्ञप्ति जो है वो जारी की गई है बिहार बोर्ड के द्वारा। इसमें देखिए क्या कुछ लिखा है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के पुनर्परीक्षा के संबंध में आवश्यक सूचना। यानी ये कह सकते हैं कि छात्रों की पहले से ही मांग थी भाई कि जो पेपर का स्तर है वो काफ़ी हार्ड आया था और IIT EEE JEE मेंस के प्रश्न जो थे वो पूछे गए थे। तो ऐसे में छात्रों की मांग थी कि भाई पेपर का जो लेवल है वो डाउन किया जाए। और कह सकते हैं कि भाई अच्छी खबर सामने उभर के आ रही है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 की पुनर्परीक्षा के संबंध में आवश्यक सूचना जारी कर दी गई है। ऐतद द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 की पुनर्परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी, उनके अभिभावक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन तरीके से आयोजित की जाने वाली वैसी प्रतियोगिता परीक्षाएं जिनमें किसी भी विषय में अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होने के आलोक में उस विषय की परीक्षा एक से अधिक पालियों तिथियों में ली जाती है, वैसी परीक्षाओं में सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के आलोक में ऐसे विषय का परीक्षाफल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है। तो कह सकते हैं कि भाई STT में जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा था छात्रों के साथ, आपने देखा होगा कि भाई जो लेवल था परीक्षा का वो कितना डिफ़िकल्ट रखा गया था। ऐसे में नॉर्मलाइजेशन की जो मांग थी वो लंबे समय से चल रही थी और एक बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है कि भाई नॉर्मलाइजेशन के लिए जो बिहार बोर्ड जो है वो तैयार हो चुका है और कहा गया है कि भाई नॉर्मलाइजेशन जो है वो अपनाया जाएगा ताकि किसी भी विषय पारी सीटिंग के किसी भी अभ्यर्थी को कोई लाभ या हानि नहीं हो। दे सकते हैं इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 की ऑनलाइन पुनर्परीक्षा में भी वैसे विषय जिसकी परीक्षा एक से अधिक पालियों तिथियों में ली जा रही है, वैसे विषयों का परीक्षा फल तैयार करने से पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाकर ही परीक्षा फल तैयार करने का निर्णय जो है परीक्षा आयोजित करने के पूर्व में ली जा चुकी है, जिससे कि किसी भी पाली तिथि डेट के अभ्यर्थियों को लाभ या हानि नहीं हो। तो दे सकते हैं कि भाई एक मांग थी और ये मांग कहीं ना कहीं छात्रों की जो है वो साकार होती हुई नज़र आ रही है। और जैसा कि मैंने अपने चैनल के माध्यम से मैं लगातार आपको ये खबर या अपडेट भी प्रोवाइड कर रहा था STT को लेकर कि जो पेपर का स्तर था वो काफ़ी उच्च स्तरीय पूछा गया था और जो 10-11 सितंबर को जो परीक्षा हुई थी और ऐसा माना जा रहा है कि जो कल भी जो परीक्षा हुई है उसका भी जो लेवल है वो काफ़ी हार्ड रखा गया है। ऐसे में छात्रों की मांग थी कि भाई नॉर्मलाइजेशन पद्धति का जो है वो बिहार बोर्ड प्रयोग करे और नॉर्मलाइजेशन मेथड के द्वारा जो है वो पेपर को या तो पुनर्परीक्षा लिया जाए और या तो उसके स्तर को जो है वो जैसे कि कोई भी आपका क्वेश्चन है तो उसमें 5 गुना अधिक, अगर सही है तो उसमें 5 गुना अधिक नंबर दिया जाए। तो ये विधि होती है, जैसा कि सभी को ज्ञात है कि नॉर्मलाइजेशन जो पद्धति होती है उसमें यही किया जाता है कि अगर पेपर का स्तर, जो भी परीक्षा आप दे रहे हैं उस परीक्षा से अगर पेपर का स्तर हाई रखा जाता है, उच्च स्तरीय रखा जाता है, तो इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है कि आपको किसी एक प्रश्न पे, माना ये कोई एक प्रश्न है वो आपका 2 नंबर का है, तो उसका 5 गुना आप लगा लिए कि 10 या 12 नंबर उसी प्रश्न पे छात्र को मिलना चाहिए। या तो इस विधि का प्रयोग किया जाए या तो जैसे कि आपने देखा कि 10 और 11 तारीख को जो परीक्षा हुई थी उसका स्तर जो था काफ़ी ऊँचा रखा गया था, तो या तो फिर ऐसा किया जाए कि जो 10 और 11 को परीक्षा हुई थी उसे पुनर्आयोजित किया जाए और पुनर्आयोजित करके फिर से परीक्षा ली जाए। तो इन 2 विधियों का जो है वो प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है और जब से छात्र ये परीक्षा दे के आए थे, मैंने कई सारे चैनलों के माध्यम से देखा था ये आवाज़ उठाई गई थी कि बिहार बोर्ड जो है नॉर्मलाइजेशन पद्धति का जो है प्रयोग करे, तो कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड ने ऐसा किया है और अब जो है नॉर्मलाइजेशन पद्धति का जो है प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और आपके सही प्रश्नों पे जो हैं 10 गुना 5 गुना 10 गुना जो है अधिक नंबर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात हम कटऑफ की बात करें
तो कटअप भी जो है पेपर का वो कम किया जाएगा, ठीक है। और जिन परीक्षाओं का लेवल अच्छा था, अच्छा रखा गया था, यानी कि पेपर जो क्वेश्चन जो थे वो लेवल के पूछे गए थे, उन प्रश्नों की अगर हम बात करें तो उनमें जो है आपका सामान्य तरीके से ही मार्किंग होगी, यानी कि नंबर आपको दिए जाएंगे। अगर प्रश्न आपका एक नंबर का है तो उस पर आपको एक नंबर ही दिया जाएगा। लेकिन जिस परीक्षा का स्तर काफ़ी ज़्यादा उच्च स्तरीय था उसके लिए ये प्रोसेस जो है अपनाया जाता है, और मैंने आपको अपडेट भी ये प्रोवाइड की थी अपने चैनल के माध्यम से। कई सारे जो यूट्यूब पे जो लोग पढ़ा रहे हैं एसटीटी का मैथ पढ़ा रहे हैं, उन लोगों ने भी ये मांग रखी थी बिहार सरकार के द्वारा कि छात्रों को इंसाफ दिया जाए, क्योंकि ऐसे में छात्र ठगा सा महसूस कर रहे थे और उनका ये कहना था कि उनके साथ जो है वो एक सौतेले की भांति जो है वो व्यवहार किया जा रहा है। तो अब प्रशासन कहीं ना कहीं नींद से जागा है और अपनी ऑफिशियल विज्ञप्ति जो है बिहार बोर्ड ने ये जारी किया है, और इसमें कहा गया है कि नॉर्मलाइजेशन पद्धति का जो है वो प्रयोग किया जाएगा परीक्षा में। तो आगे की भी वैसे तो कल का जो पेपर था उसको भी डिफ़िकल्ट बताया जा रहा है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी भी दिन की परीक्षा का लेवल अगर उच्च स्तरीय रखा जाता है तो ये श्योर है कि उस दिन की जो आपकी परीक्षा है उसे नॉर्मलाइज किया जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया, किसी भी सही प्रश्न के लिए आपको 5 गुना बढ़ा के जो है सही मार्क्स जो हैं वो दिए जाएंगे, और कटअप जो है वो डाउन कर दिया जाता है। या तो एक तरीका ये होता है, या फिर यह ऐसा भी हो सकता है कि उस परीक्षा को पूरा निरस्त कर दिया जाए और पुनर् जो है वो परीक्षा ली जाए। अब जैसा कि मेरे छात्रों से लगातार वार्ता हुई है और उनका साफ तौर पर ये बात कहना है, छात्रों का ये कहना है कि जो पेपर का लेवल था कल का उसमें परेशानी आई है। मैथ और रीजनिंग की अगर हम बात करें, मैथ और जो आपका रीजनिंग आ रहा है, रीजनिंग और साइकोलॉजी यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान का स्तर अच्छा है, ठीक है। मैथ और रीजनिंग का स्तर भी काफ़ी अच्छा रखा जा रहा है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि लगभग अगर हम बात करें तो अगर 50 नंबर है तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप यहाँ से 40 और 45 के बीच में जो नंबर है वो स्कोर कर सकते हैं। इतना तो सिक्योर है कि आप जो है वो नंबर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी खबर है, वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से दोस्तों तक बताइए कि अब जो 10-11 को परीक्षा हुई थी, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि कल जो 15 तारीख को परीक्षा हुई थी इसका लेवल भी हार्ड रखा गया था। कुछ लोग 9 की भी बता रहे हैं, तो चलिए कोई नहीं, देख लेंगे 9 की भी जैसी होगी तो इनकी परीक्षा जो है पूरा कराने की बात कही जा रही है, पहली बात है। और दूसरी मैं आपको बता दूँ कि जो आगे की परीक्षाएं हैं, तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि इस प्रकार से विज्ञप्ति जारी की गई है, तो अब सरकार की ये मंशा होगी कि आगे की जितनी भी परीक्षाएं हों उन्हें इजी, उनका स्तर इजी ही रखा जाए। यानी कि जो 28 जनवरी को परीक्षा हुई थी आपकी, उसी के लेवल का जो पेपर है वो बनाया जाए, ठीक है। तो अच्छी खबर है, और पल पल की अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से आप लोग लगातार जुड़े रहिए। अब एक बात और सुनने में आ रहा है कि सरकार जो बिहार बोर्ड है वो एक हफ्ते के भीतर जो आपका रिजल्ट है वो प्रकाशित करने जा रही है। सूत्रों के से के हवाले से ये खबर आई है कि एक सप्ताह के भीतर जो है वो आपका रिजल्ट जो है वो प्रकाशित होने जा रहा है। तो अच्छी खबर है, अगर एक सप्ताह के भीतर आपका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाता है और पेपर का स्तर नॉर्मलाइज रखा जाता है तो आपकी बहाली जो है वो त्वरित गति से होगी। क्योंकि मैंने पहले भी अपडेट प्रोवाइड किया था कि बिहार की पंचायतों में शिक्षकों को पढ़ाने के लिए भारी शिक्षकों की कमी जो है वो देखने को मिल रही है। तो अच्छी खबर है, पल पल के अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से आप लगातार बने रहिए, और जो भी अपडेट हम तक पहुँचेगी वो सीधे अपने चैनल के माध्यम से आपको पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो एक बार इस ऑफिशियल विज्ञप्ति को आप देख लीजिए, ठीक है। और प्रभात ने ये देखिए ये खबर जो है वो दिखाई है,
तो इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन पद्धति का प्रयोग जो है किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय।